मोदी शाह का राजनीतिक भविष्य खतरे में। आरएसएस रच रहा फडणवीस को 2024 में प्रधानमंत्री पद पर बैठाने की साजिश। क्या अब मोदी शाह की जोड़ी को आरएसएस एक बड़ा खतरा? देश की राजनीति में आने वाले कुछ ही समय के बाद एक बड़ा भूचाल आने की अटकलें कुछ जानकारों की ओर से लगाई जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है, केंद्र में भाजपा की सरकार है जो कि महज एक आरएसएस का मुखौटा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका नाम देश के कई असंवैधानिक गतिविधियों में लिया जाता रहा है, इसी संगठन की ताकत से मोदी शाह प्रधान और गृह मंत्री जैसे पदों पर विराजमान हुए हैं और अब इन्हें इन पदों से उतारने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आरएसएस एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र रच चुका है जिसकी भनक किसी को नहीं, खुद मोदी शाह इस षड्यंत्र का शिकार बनते जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बुरी तरह हार के बाद आरएसएस ने जारी किया बयान। आरएसएस का यह बयान अपने आप में एक बड़े षड्यंत्र के संकेत देता है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया, मोदी का चेहरा और जिताऊ मशीन अमित शाह अब भाजपा का बेड़ा पार नहीं कर सकते। इसका तर्क यह है कि आरएसएस समझ चुका है मोदी शाह अब आरएसएस के किसी काम के नहीं रह चुके। भाजपा को जिताने और आरएसएस के सपने को पूरा करने के लिए दूसरे नए चेहरे को लाना बेहद जरूरी बन चुका है। आपको बता दें कि ठीक इसी खबर के बाद देवेंद्र फडणवीस पर आरएसएस के भैया जी जोशी का बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने क्या कहा, आप खुद गौर से सुनिए। कि लोकतंत्र में सरकारें देती है, अपने यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार की एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति भी आखिर समाज ही निर्माण करता है। मैं शुरू में कहने वाला था कि देवेंद्र जी के भाग्य में विपक्ष के नेता, ये बहुत दिन का विषय नहीं है। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ये अल्प आयु है, इन दोनों पदों की अल्प आयु है, पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कम ज्यादा होते रहता है, सब हुआ है, वो चलेगा। आखिर लोकतंत्र को भी सशक्त रखने वाला अगर कोई है तो वो हम जैसे सब सामान्य लोग हैं, और ये सामान्य लोग इस देश की शक्ति है। देवेंद्र फडणवीस बहुत समय तक पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता नहीं बने रहेंगे, यह दोनों बातें उनके लिए अल्प आयु है। क्या फिर इसका मतलब साफ है? क्या आरएसएस 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ी साजिश के तहत मोदी को पद से हटाकर फडणवीस को प्रधानमंत्री पद के रूप में सामने ला सकता है? इसी साजिश की कड़ियां अगर जोड़े तो आपको महाराष्ट्र की पिछली फडणवीस सरकार में रचे एक बड़े कांड से अंदाजा लग जाएगा। जी हाँ, फडणवीस सरकार के रहते महाराष्ट्र में जजलोया हत्याकांड रचा गया था, जिसमें खुद फडणवीस की भूमिका बेहद संदेहजनक मानी जाती है। और यही नहीं, 2024 तक मोदी शाह को रास्ते से हटाने के लिए इस हत्याकांड से जुड़े सारे आरोप मोदी शाह पर लग जाए, ऐसी सुविधाएं भी फडणवीस ने करके रखी है, जिससे आरएसएस के सबसे वफादार स्वयंसेवक देवेंद्र फडणवीस का प्रधानमंत्री पद के लिए रास्ता साफ हो जाए। आरएसएस के इस षड्यंत्र के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि आरएसएस को 2025 में स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके लिए आरएसएस के वफादार तथा ब्राह्मण स्वयंसेवक को देश की सबसे बड़ी संवैधानिक ताकत प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। भैया जी जोशी के बयान का निचोड़ अगर निकाले तो फिलहाल फडणवीस महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता है, फिर भी वह इस पद पर ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, यह भविष्यवाणी आखिरकार भैया जी जोशी किस आधार पर कर रहे हैं? आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से एक मांग लगातार उठती रही है, अलग विदर्भ राज्य की। आपको बता दें कि आरएसएस का मुख्यालय भी इसी विदर्भ राज्य के शहर नागपुर में है और फडणवीस भी इसी शहर के विधायक हैं। अगर केंद्र सरकार आने वाले कुछ ही दिनों में अलग विदर्भ राज्य की घोषणा करता है तो यह साफ है कि देश का अगला प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्योंकि विदर्भ राज्य में बीजेपी के पास बहुमत है, जिसके जरिए फडणवीस विदर्भ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और जजलोया हत्याकांड भी नागपुर का है, जिसमें मुख्य आरोपी शाह मोदी को बताया जाएगा, जिससे आरएसएस का सपनों का रास्ता फडणवीस के जरिए उन्हें साफ लगने लगेगा। सूत्रों के अनुसार आरएसएस ने केंद्र पर अलग विदर्भ राज्य के लिए दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि आरएसएस के विरोध में मोदी शाह का अंदरूनी कलह आखिर कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू की।